What's up everyone, this is Pranay and मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। It's 3 PM and रोज़ दिन की शुरुआत करने में डिले हुआ जा रहा है, बट द गुड थिंग इज आज वीकेंड है, सो इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। तो कितने बजे भी उठो, कितने बजे भी सो चिल है। अगर आप भी ऐसी हरकतें करते हो वीकेंड में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कब उठते हो। नाउ दैट बीइंग सेड, अब मैं जब भी कमेंट्स आएंगे वीडियोज़ में तो उसको अपकमिंग वीडियो में पढ़ूंगा। फॉर नाउ विल स्टार्ट विद लास्ट टू वीडियोज़ जिनमें दो कमेंट आए हैं। पहला है चिराग का, वेटिंग फॉर 200 kg स्क्वाट। भाई मेरा भी गोल वैसा ही है, बट वो प्राइम में किया था। आई एम नॉट श्योर कि अब 200 kg तक पहुंचा जा सकता है, बट कोशिश पूरी रहेगी। देन सेकंड कमेंट इज फ्रॉम गुब्बे सुदीप्तो देव, एंड दोनों ही मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। गुड मॉर्निंग भाई, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, तुम दोनों तो देखते ही रहते हो वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। नाउ दैट बीइंग सेड, आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जल्दी से 1 लीटर पानी खत्म करो, कॉफ़ी चढ़ाओ और दबा के कार्डियो करो। अभी तक मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन कार्डियो कर रहा हूँ ऑन अ वीकडे, और वो भी 10-15 मिनट का, बट वीकेंड पे एक दिन मैं बहुत धमाकेदार कार्डियो करूँगा। दिस विल हेल्प मी इम्प्रूव माई कार्डियो वैस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी कि जब आगे वाले दिनों में जब कार्डियो बढ़ाना पड़े तब एकदम से हालत ना खराब हो कार्डियो करते हुए। Get started. स्विमिंग सेशन तो एक्चुअली बहुत अच्छा रहा। अभी मेरे को फ्रेंड से मिलने बाहर जाना है, इट्स वीकेंड तो दोस्तों से मिलना तो बनता है। लेट मी शो यू मैं कहाँ जा रहा हूँ। यू सी दैट प्लेस, अगर आपको दिख रहा है बिल्डिंग के पीछे एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं, दैट्स एक्चुअली द कलांग स्टेडियम इन सिंगापुर। वहाँ के थोड़े से बीरोल दिखाऊंगा एंड फिर आके इस सब्जेक्ट के बारे में हम और बात करेंगे। बैठ के बात कर लेते हैं, इससे ना हम थोड़ा डाउन टू अर्थ लगेंगे। आउटिंग बहुत सही रही एंड फ्रेंड्स से मिलना इज़ ऑलवेज गुड ऑन वीकेंड्स, बट अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। दैट इज़ वाई आई से दैट स्विमिंग इज़ द बेस्ट वे टू लूज फैट। 3 मोटे मोटे हिस्सों में इसको बांट देंगे। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ रही हैं वो ये है कि वाटर इज़ एक्चुअली 800 times मोर डेंस देन एयर। तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है टू मूव फॉरवर्ड एंड ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है इन शॉर्ट। सेकेंड रीज़न जो आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज पानी यूजुअली ठंडा होता है, सो इससे भी थोड़ा सा बम्प अप इन कैलोरीज मिलता है। थर्ड रीज़न विच आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जब आप एक फैट लॉस या वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे होते हो तो आपकी जॉइंट्स जो होते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुश बैक ले रहे होते हैं। आपका जो वेट लिफ्टिंग शेड्यूल होता है, वर्कआउट शेड्यूल होता है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी टैक्सिंग ऑन योर जॉइंट्स। स्विमिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, तो आपके जॉइंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है, आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। दिस बीइंग अ रीज़न यू बीइंग 16 और यू बीइंग 70, आप दोनों ही एज रेंज में बहुत आराम से स्विमिंग कर सकते हो। सो दीज आर द रीज़न्स वाई आई फील स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस फैट, बट दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू रिड्यूस फैट। आप स्किपिंग भी कर सकते हो, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। रनिंग इज नॉट समथिंग आई पर्सनली एम इन, बट रनिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ लूजिंग फैट, एंड सबसे अच्छा जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे जॉइंट्स में ज़्यादा रनिंग की वजह से या कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेन आए। तो वॉट आई प्रेफर इज आप जनरल वॉक करो, वॉक फॉर लेट्स से एन आवर ऑन डेली बेसिस, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हैं या फीडबैक है आप नीचे लिखो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी रीडिंग देम आउट। डू सब्सक्राइब द चैनल, सी यू टुमारो, फिन।